तुम्हारा पेट बाहर आ रहे हैं, पेटवा बाहर आ रहे हैं अभी। हाँ, रिकॉर्डिंग मार रहे हैं, थोड़ा हम व्लॉग्स व्लॉग बनाते हैं, छोटी छोटी मोटी। पता नहीं काटा काटा था। हाँ, वही मार रहा था। शुक्र है शादी कर ली, लड़की मिल गई, वरना तो फिर लड़की भी नहीं मिलती। बाटो गाडीले भरिया छ, बाटो ब्लक छ। यी बिल्डिङ यिनीहरू छेउमा छ, काम सकेर काम सकेर बल हान्ने भनेर आएको यहाँ आइदिएको। बाल हालिदिनु पर्यो चाहिँ, अनि अब यसलाई बाललाई हान्नु पर्नेछ। हा, रेकर्डिङ मार रहे हैं, थोडा हम ब्लग स्लग बनाते हैं, छोटी छोटी मोटी हैं, चलेंगे ना, कोई समस्या नहीं, समस्या नहीं। दिल्ली से यार, सीधा काम से आया मैं यार। अच्छा, कैसा काम? तासु। एक एक महीने नहीं यार, दो ढाई महीने के बाद मॉर्निंग ड्यूटी करके क्या नींद ही पूरी नहीं हुई। बाल आ गए तुम्हारे हैं? हाँ, बीच बीच में पूरा बीच में गायब हो गए। पर अभी कोई समस्या नहीं, अभी बहुत दवाई आ रहे हैं। कितने 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 पैसे? 10 के का एक। मतलब तुम भी वो चला रहे हो, क्या बोलते हैं, रोलर? हाँ, रोलर में भी चला रहा हूँ। हमारे कंपनी के था एक, हाँ वो आके थे, वो भी रगड़ा था पूरा, खून खून हो गए। वो तो ना मैं नहीं रगड़ता, 2 से 4 मिनट बस बहुत है। मैं पूछा भाई क्या कर रहा है, अरे भाई यार छोटी उम्र में पूरा बाल गिर गए यहाँ आके। अच्छा जी, कैसे करते? मैं देखा तो वो पता नहीं काटा काटा था। हाँ, वही 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 मार रहा था भाई पूरा जी। बाद में खून से निकाल दी, बाद में फिर दवा डाल के मालिश करके फिर बैठ गए भाई। नहीं ऐसे वो निकालेगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा ना बाल में। पता नहीं, वो बोला कि अंदर जड़ तक जाता है ऐसे करके। अरे अंदर जड़ तक जो नया नया निकलने वाला होगा वो खून निकाल के बाहर निकालेगा तो फायदा क्या होगा उसका भाई। मेरा भी पता नहीं, एक पतला पतला हो रहा है बाल। नहीं सही पीछे भी रहता है। क्या होता है कि मेरा ना पहले ना इतना मतलब इतना हार्ड था मेरा बाल। अच्छा, मतलब छोने से मतलब घिनाते थे दोस्तों, इतना तेरा इतना टाइट इतना हार्ड ऐसे बोलते थे। कभी कभार सोचता हूँ पतला हो गया, एकदम सॉफ्ट ही हो गया। हो गया यार, कुवैत में भी पड़ता रहा है। शुक्र है शादी कर ली, लड़की मिल गई, वरना तो फिर लड़की भी नहीं मिलती। हाँ, क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी? बोले तुम अपने दोस्त से बात करते हो, उनसे बात करते हो, उनसे बात करते हो तो उससे से भी बात करते हो। मैं बोला वो सब बात मानते हैं, इससे बहुत काम कर रहा हूँ है। उसी ने वो कॉल करती रहे, उससे दोस्त की गर्लफ्रेंड है, उससे मैं बात करता था है। तो ये बस फ्रेंड वाली बात है। तो वो बोले किससे बात कर रहे हो, मैंने बोला कॉन्फ्रेंस करा देते हैं, बात कर लेते हैं, देख किससे बात कर रहे हैं, बात चला रही है। और वो सामने थी तो थोड़ा वो बात कर रही थी, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही थी। मैंने बताया उसको ऐसे ऐसे बात है, मेरा दोस्त था। अब हंस के बात कर दिया तो भी गुना हो गया मुझसे, उससे हंस के बात कर रहे हो, मेरे से गुस्से में बात करते हो। लड़की से लड़का से बात किया हंस के? लड़की थी।
बीवी के नहीं दोस्त है, इसकी गर्लफ्रेंड। अच्छा, दोस्त की गर्लफ्रेंड? ये मेरी मामा है। अच्छा, नहीं बीवी नहीं है, ये मेरी भाभी है। अच्छा भाभी, तो बीवी की तस्वीर नहीं थी, भाभी की लगा दी है, भौजी की है। या भौजी है। सलाम भी कर दी। अरे आपका जलवा यहाँ पे सर जी ठंड से ना यार, बहुत गर्मी नेपाल में यार। मैं अभी वैकेशन से आया, एक महीने हो गए। मैं एक महीने से पहले वैकेशन में था, मैं नेपाल में मतलब सहा नहीं गया मेरा गर्मी, तो मैं गया दार्जिलिंग के। ओ भाई मजा ही आ गए, मतलब इतना कि जैकेट ही पहनने की जरूरत नहीं आया, पर फिर भी बहुत ठंड मस्त चला। मैं भी सोचता था तुम्हारा, अगर तुम हिंदू, अगर तुम हिंदू हो तो काठमांडू जाके उस पर मस्त तुम लोग सही लगेगा, पशुपति मंदिर पे। मैं तो हर जगह जाता हूँ। तुम्हारा पेट बाहर आ रहे हैं, पेटवा बाहर आ रहे हैं अभी। जानते हैं क्या है पेट बाहर आने का मतलब? ये है कि खाना खा के डायरेक्ट काम करो या बैठे रहो, और कहीं बाहर जाना नहीं होता, इसीलिए पेट आ जाता है। ज्यादा चावल खा रहे हो रोटी खा रहे हो? मैं तो रोटी ज्यादा खाता हूँ। रोटी खाने वाला आपके कैसे आ रहा है पेट आगे? रोटी खाने वाला तो पेट नहीं आता आगे। यहाँ पे तो रोटी चावल सब चलता है। गाँव में मैं था, मान लो भाई वहाँ पे आदमी रहता है, खेलता है, कूदता है। हाँ। कहीं खेलने का मौका नहीं है कहीं भी। वहाँ पे था बंदा तो क्रिकेट खेल, कोई भी खेल खेल लिया। तो गाँव में क्या होता था, यही तो है क्रिकेट है, फुर्ती रहते रहते हैं। हाँ, शरीर में फुर्ती रहते हैं, हम तंदुरुस्त दौड़ा भागा करता है। आप जम्मू जम्मू मतलब जम्मू और कश्मीर अलग अलग है ना? जी। मतलब जिला है क्या ये? अलग अलग राज्य है। मतलब स्टेट है, जम्मू स्टेट है, कश्मीर स्टेट है, दोनों स्टेट है। मैंने सुना जम्मू में गर्मी है, कश्मीर में गर्मी? जम्मू में गर्मी ना? जम्मू में गर्मी, कश्मीर में ठंडी। देखा था इस टिकटॉक पे, एक पाकिस्तानी बंदा था, टीवी तोड़ दी उसने। और एक था साइड पे भी इंडियन भाई था, फिर पूरा एकदम खुशी मना रहा था, उछल उछल के। साइड में टीवी था उसमें, क्रिकेट मैच देख के उछल रहा था। पर न्यूज में एक आया था, एक पता नहीं कौन सा नासिर में पाकिस्तान कौन सा बंदा घायल होकर भी मतलब खेलता रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, वो सब तारीफ काबिल है वो। वहीं से मैच पाता ना, जब वो चोटिल हो गया फिर वो बॉलिंग कर रहा था, उसकी वजह से जडेजा ने छक्का मारा। चोटिल बंदा क्या ही करता है, फिर भी उसने मतलब अंतिम तक खेला बोल रहा है। चार ओवर पूरी बॉलिंग कराई, वो तो तारीफ कर रहा। मतलब जो मैच हो रहा था मतलब क्या ये मतलब ये अच्छा ऐसे कब हो रहा है? मतलब उसमें बांग्लादेश भी हो गया ना? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश पहुंच गए हैं, हमारा नेपाल पीछे पीछे रह गया। नेपाल वो टीम बन रहा है अभी, नया टीम है तो थोड़ा धीरे, वही तो धीरे धीरे पीछे पीछे। अभी वो उसमें उतना रुचि नहीं था ना नेपाल का, इतना ही था या जितना इंडिया में पाकिस्तान में रुचि पहले से ही हुआ पहले से।
पर इंडिया का मतलब राष्ट्रीय गेम तो ये नहीं ना, राष्ट्रीय खेल हॉकी है ना, राष्ट्रीय खेल इंडिया का हॉकी, लेकिन वो हॉकी में सबसे बेकार राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेपाल का तुम लोग खेलते हो ना गिले डंडा, नेपाल का राष्ट्रीय खेल बहुत मजा आता था। पैसे खेलते थे वो या। नहीं हम तो मजे के लिए खेलते थे, हमें दौड़ा था बहुत मजे के लिए भी, लेकिन पैसे के लिए नहीं खेलते, पैसे लगा देंगे प्लेयर ना ले लेंगे, 4 इधर 5 इधर 4 इधर 4 इधर और एक सीधा लाइन खींच देंगे, अब उसी में फेंकना है, ऐसे बाहर गए 3 बार तो गए, मतलब सेम क्रिकेट की तरह रोल बना के अपना नया नया पैसे लगाते थे लोग, उसके बाद उसे मारते थे, डंडे से नापते थे कितना डंडा होगा और 1000 डंडा कर लेते जो पहले कर रहे थे। मैं तो घुट गया कैसे कर रहे थे हम लोग, थोड़ा 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 कुछ याद है, हम तो हमें तो दौड़ा था सर, हम तो दौड़ के दौड़ते थे, जितना अंदाज में पहले वो खिलाड़ी बोलते थे कि यहाँ से यहाँ तक कितना डंडा है, अगर हो गया वो बोला कि चलो ठीक है हो जाएगा तब तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर गया वो ना पे गया अगर संत लगा था, हां तो पूरा नहीं नहीं होगा वो ना पे गया था। अगर कड़का डर के थोड़ा कम भी बोलते थे, हां अपना वो सोच होता है उन्हें फंसी है तो वो पहले से एक दफा ना पे होता कि तब यहां से यहां तक ही सोलन ना हो जाएगा। अच्छा तुम भी खेलते थे बहुत, खेलते थे तुम लोग, तुम लोग खून खून में, हाँ वो भी खेलते थे बहुत, हमारे घाव होते थे यार कभी यार खींच खींच के, तुम्हारे में तुम्हारे तुमने कितने कितने लिए 1 रुपए की पहले तुम्हारे जमाने में जब तुम खेले थे? अच्छा हमारा तो 1 रुपए में, मुझे जहाँ तक याद है 1 रुपए में हमने लिया था 12 पीस, हमारा 12 पीस था, मजा आ गया, पुराना दिन याद आ गया, खतरनाक इतना जोर से मेरा भाई भी है और मैच खेलते हैं तो राइट है गोली करता है, मेरा ये नीचे रहता था सही वो भी मारता है ऊपर ऊपर के छोड़ देता है ऊपर का बस नहीं एक है ऊपर का काफी मस्त आया था सऊदी में गोली से हम लोग पैसे खेलते थे, हाँ वो नहीं गोली से हम पैसे नहीं खेले बस गोली गोली खेले नहीं वो पैसे खेले चला खेल में पैसा नहीं था यार गोली में वो होता था ना ये 4 बंदे
पहला इस तरह डूब रहा है, दूसरा ये बुरी लेके जो सबसे दूर गया वो मारेगा मेरे यहाँ का एक 260 रुपए हो गया, 260 मालूम है तुम्हारा डैडी अभी बैनिस्ट हो गए उसने पोते पोती देखी अच्छा मेरा मेरा बाप ने तो तीन पोती देखी एक पोता दो पोती नहीं यार मेरा नहीं मतलब मेरा दीदी लोग का मेरा तीन दीदी है ना मतलब दो ही भाई हैं छोटे परिवार पर सही होता है यार छोटे पर सुख होते यार हमारे खर्चे भी थोड़ा कम होते हैं जैसे कि हमारा जाते मेरे घर 10-15 भाई तो दोनों भाई के बस गाय भैंस नहीं क्या चारा यार जंगल में लाके छोड़ना है नहीं जंगल नहीं जंगल में तो कोई मुश्किल नहीं था क्योंकि ये उसके साथ हमारे गांव में तो जंगल रहती है गाय भैंस बकरी लेके जाते हैं एक जगह पे बैठ के मतलब सूरती मार के ताश खेल के बैठा रहता है बाद में फिर वो जब वो बकरी वकरी चर के आते तो बुरी आते थे वो लोग बाहर अगर उन लोगों का पेट भर गया था चमड़ी या जो ये ये होगा क्या बोलते हैं आयरन क्या होते हैं यार हाँ ऐसे पूछ दोगे पूछ दोगे ना मतलब कैसा क्या कैसा रखे हुए थे सही है ना बढ़िया है अच्छा यार एक एक दिन एक एक साल कट रहे हैं कितना कितना महीने हो गए तुम्हारे क्या बोल रहे हो कितना लाख दे गए ज्यादा दिए क्या इंडिया में पैसा लगे ना वीजा है मेडिकल में 6-7 हज़ार रुपये लगे somehow I look like this and mere chi bal ai estri katyo mero bal katne thau cha me building cha purano hola mai basu ani bal kati sake pachi tyo khasa bihar ko thyo kya manche ek ghar ek ghar katyo ramailo go time pass pani ramro acha bho ani so yahi ho aaja ko vlog chai बाल काटेगा सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग